हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। अच्छा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में कि आज रात के 12 बजे गेम पे आप लोगों को कौन सा इवेंट देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो में गाइस बेसिकली हम यार बहुत ही सारे कन्फर्म्स इवेंट के बारे में बात करेंगे। मतलब यार इतने कन्फर्म इवेंट आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसको देखकर यार आप सभी लोग गाइस बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो। मतलब इतना खुश होने वाले कि तुम लोग यार एडम की चड्डी पहन के सो जाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब यार एडम की बदबूदार चड्डी पहन के सोना यार बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो जो भी है गाइजर, जैसा भी है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मजेदार इवेंट बताने वाला हूँ। हाँ गाइजर, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, आप लोग गाइजर एक कोड के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए यार बहुत सारे बंदे लोग यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज है भाई, वो कोड कैसे मिलेगा, उसका आइटम कैसे मिलेगा। तो यार सब चीज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लेना, ताकि गाइजर आप लोग को मेरी जो सारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो गाइजर आते रहे, ठीक है? और आप लोग गाइजर लेजेंड भाई बिग फैन करके गाइजर डेली मेरी वीडियो पे कमेंट करो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अब हम करते हैं यार वीडियो को स्टार्ट। पहला जो अपडेट है ना वो गाइस हमारे गेम पे आने वाले बिल्कुल न्यू टॉप इवेंट से। तो यार आप में से बहुत सारे बंदे लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई यार हमारा जो टॉप इवेंट है वो कंफर्म क्या हो सकता है। मतलब एडम की फटी हुई चड्डी हो सकती है कि कैली भाभी की चड्डी हो सकती है कि भाई किसकी चड्डी हो सकती है, तुम लोग के दिमाग में ये चलता होगा, ठीक है? लो आज गाइजर मैं तुम लोगों को कंफर्म इवेंट बताने वाला हूँ जो यार मुझे पता लग चुकी है, लगभग 90% इसके चांस है कि गाइजर आप लोगों को यही आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सामने आप देख सकते हो ये चुनमुन जैसा गाइजर, छोटा सा गाइस, नन्ना मुन्ना, जो यार आप लोगों को पेट देखने को मिल रहा है, जिसकी यार आग जो मतलब जो नाक है वो गाइजर बाहर निकली हुई, चश्मा पहना हुआ है, बहुत ही अपने को आपको साणा समझ रहा है और डांस वांस भी करता है, ठीक है? तो ये वाला जो पेट है गाइस कहा जा रहा है कि ये आप लोगों को इंडियन सर्वर पे देखने को मिलेगा, लगभग 95% ये कंफर्म है। मतलब लगभग कंफर्म ही समझो कि गाइस यही देखने को मिलेगा, ठीक है? आप लोगों नेक्स्ट टॉप इवेंट में, अब यार 100 डायमंड्स मिलेगा, 200 में मिलेगा, 300 में मिलेगा, 400 में मिलेगा, 500 मिलेगा, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे जितना लगता है यार देखो 100 से 200 डायमंड्स के अंदर इसको आना चाहिए, क्योंकि यार पेट है, यार पेट को यार पेट की औकात में ही रखो और कैरेक्टर को कैरेक्टर की औकात में रखो, ठीक है? जैसे यार कैरेक्टर ही 100 डायमंड्स में दिया था तो यार पेट को तो मुझे लगता है 100 में ही देना चाहिए। तो आप लोग गाइस क्या लगता है कि गाइस इसको 100 में देना चाहिए, 200 में देना चाहिए, 300 में देना चाहिए या फिर 1 डायमंड में चाहिए? तो प्लीज गाइस कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है? नेक्स्ट अपडेट गाइस हमारे गेम पे आने वाले हमारे एड़े भाई के इवेंट से। अब यार एड़े भाई कौन है तो सामने आप देख सकते हो, एड़े यानी गाइस हमारे रोहित मेहरा यानी गाइस जय करेक्टर। तो आप लोगों को पता है यार हमारे गेम पे जो जय करेक्टर है वो कोई मिल गया की तरह है, मतलब यार पागल ही लगता है, उसको कोई यूज तो करते नहीं है, मतलब उसका जैसे कोई मिल गया में हाल है वैसी गाइस उसका हाल है, ठीक है? तो गाइस कहा जा रहा है कि कोई मिल गया यानी यार जय करेक्टर का एक इवेंट आने वाला है। मैंने आप लोगों को सुबह बताया था, आज सुबह नहीं गाइस कल सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कल सुबह मैंने आपको बताया था कि जय करेक्टर का एक इवेंट आने वाला है जिसमें आप लोगों को जय करेक्टर को साथ में लेके चलना है, मतलब जय करेक्टर को यूज करना और तुम्हें उसमें गन्स मिलने वाली, मैंने आपको कहा था और वो गाइस कन्फर्म इवेंट में से एक है, ठीक है? तो सामने आपको ये जो ग्लू वॉल दिख, ठीक है? तो ये वाला जो ग्लू वॉल है ये भी गाइस आप लोगों जय करेक्टर के एक इवेंट में आने वाला है जल्दी, ठीक है? अब जल्दी कब यार 19 तारीख को कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये जय करेक्टर का इवेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है? जिसमें आप लोगों को ये ग्लू वॉल भी गाइस देखने को मिलेगा जो यार अभी आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग गाइस ये वाला जो ग्लू वॉल है गाइस कैसा लगा, और जिसने गाइस कल देखी नहीं कौन सी गन्स आप लोगों को फ्री में मिलने वाली जय करेक्टर वाले इवेंट में, तो यार आप लोग कल वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, तुम लोगों को यार उस वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है? और ये जो ग्लू वॉल है ये फ्री पे नहीं मिलने वाली, ये ग्लू वॉल शायद मुझे लगता है कोई डायमंड्स उड़ाने वाले इवेंट में आएगा, लोकेश अंबानी, ज्ञान भाई अंबानी, सुनीता बहिन अंबानी वाले इवेंट में, जिसमें आप लोगों के बहुत सारे डायमंड्स देखने को मिलेंगे। और ये वाला इवेंट भी गाइस कंफर्मड है कि गाइस आप लोग को 18 से 19 जुलाई के बीच ये वाला इवेंट देखने को मिलेगा जैक करेक्टर का, मतलब उसमें जैक करेक्टर से रिलेटेड कुछ आपको इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट अपडेट गाइस हमारे गेम पे आने वाले हमारे जो MP5 की जो गन स्किन है उसके गाइस इवेंट्स है, ठीक है? तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि यार MP5 जो स्ट्रीट फाइटर के इवेंट में बेस्ट आप लोगों को पता है कि MP5 आने वाली थी, ठीक है? अब वो MP5 गाइस कब आएगी वो मुझे कंफर्म फाइनली पता लग चुका है। तो ये वाली जो MP5 है जिसका नाम है स्प्रिंग बर्ड MP5, ठीक है? तो ये वाली जो MP5 कहा जा रहा है आप लोगों को 12 से लेकर 18 जुलाई के बीच एक इवेंट आने वाला है, ठीक है? तो उसमें गाइस ये वाली MP5 आप लोगों को देखने को मिलेगी, और कैसे टाइप के इवेंट में आएगी मैंने आपको बताया था, वही लोकेश अंबानी, ज्ञान भाई अंबानी, सुनीता बहन अंबानी, जिसमें आप लोग बहुत सारे गाइस डायमंड्स लगेंगे। बेसिकली गाइस अंबानी के परिवार के जो बच्चे लोग हैं वही गाइस इस इवेंट में आप लोगों का जो MP5 है वो निकाल पाएंगे, ठीक है? तो और गाइस इस वाली MP5 का जो एट्रीब्यूट्स है वो मैं आपको बता दूं, डबल डैमेज है और रेंज सिंगल है और रिलोड स्पीड्स का माइनस है, ठीक है? तो आप लोग गाइस ये वाली MP5 कैसी लगी मुझे गाइस कमेंट में बताना, और ये 12 तारीख को आने वाली तो कितने बंदे इसको निकालेंगे, कौन कौन अंबानी परिवार से हो, तो प्लीज कमेंट में भी जरूर बताना, ठीक है? बात करते हैं गाइस हमारे फाइनल अपडेट के बारे में। तो फाइनल अपडेट गाइस हमारे एनिवर्सरी इवेंट से, ठीक है? तो गाइस मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर
व्यूअर्स लोग ये बात पूछ रहे थे कि भाई क्या एनिवर्सरी इवेंट में ग्लू वॉल इवेंट आएगा, यानी गाइस कुछ ग्लू वॉल हम लोग को फ्री में मिलेगा कि नहीं, और या फिर कौन सा इवेंट आएगा। ठीक है, तो देखो यार सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लू वॉल इवेंट की। तो यार देखो ग्लू वॉल इवेंट जितना गाइस मेरे को लगता है, देखो यार चांसेस थोड़े से कम है ग्लू वॉल इवेंट आने के, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्लू वॉल इवेंट इससे पहले भी आया था एक टूर्नामेंट के टाइम पे, जिसमें गाइस यार एक ग्लू वॉल हम लोगों को क्लेम करने को मिला था। आप लोगों को ये बात याद ही होगा, ठीक है। लेकिन गाइस देखो इस बार मेरे को थोड़े से एनिवर्सरी में कम चांस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ग्लू वॉल रिसेंटली गाइजर हम लोग को कुछ दिन पहले भी गाइजर मिला था एक टूर्नामेंट में, आप लोगों को पता है, और वो गाइजर कौन सा टूर्नामेंट था उसका नाम भूल गया मैं, मई पे आया था, ठीक है, जिसमें गाइजर आप लोग को आप में से बहुत सारे बंदों ने रेड वाला ग्लू वॉल ले लिया होगा क्योंकि मैंने भी रेड वाला ग्लू वॉल लिया था। ठीक है, तो रिसेंटली गाइजर ग्लू वॉल देखो यार अभी अभी मिला है, तो शायद गरीना गाइजर ना दे इस बार ग्लू वॉल इवेंट। ठीक है, अब देखो ग्लू वॉल इवेंट के थोड़े मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यार लोग पूछ रहे थे कि भाई और दूसरा इवेंट आएगा, देखो यार करेक्टर इवेंट के मेरे को चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि यार जब भी एनिवर्सरी आती है तो एक करेक्टर वैरेक्टर फ्री में मिलता है, तो इस बार गाइजर आप लोगों को करेक्टर इवेंट देखने को मिल सकता है, काफ़ी इसके हाई चांसेस है। अब पता नहीं गाइजर वही यार सेम टू सेम हर बार वही से जो घटिया घटिया सारे कैरेक्टर है उसको लोग लेके आ जाते हैं, तो यार फिर वो तो लगभग गाइजर 80-90% लोग के पास होंगे वाले कैरेक्टर साइड, जितने यार उन लोग कैरेक्टर बकवास कैरेक्टर ही देते हैं, मेन कैरेक्टर तो देंगे नहीं, जैसे यार आपका क्रोन हो गया, स्काइलर हो गया, और भी यार बहुत सारे मेन कैरेक्टर लोग देंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग को यार करेक्टर इवेंट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग गाइजर कौन सा इवेंट चाहिए, ग्लू वॉल इवेंट चाहिए या फिर करेक्टर इवेंट? देखो यार मेरा वोटिंग तो यार रियल बताओ तो ग्लू वॉल के लिए था, बट मेरे को ज़्यादा चांसेस करेक्टर के लगते हैं, करेक्टर वाला इवेंट आ सकता है क्योंकि ग्लू वॉल थोड़ा रेयर हो जाएगा और गरीना वालों ने पिछले बार ही ग्लू वॉल दिया था, तो मुझे थोड़े से कम चांसेस लग रहे हैं कि इस बार ग्लू वॉल मिले। अब देखते हैं गाइजर क्या होता है, और इलाइट पास तो यार आ ही सकता है, आप लोगों को पता है यार एनिवर्सरी है, दो तीन बार एनिवर्सरी में फ्री पे इलाइट पास मिला है, तो गरीना वाले एनिवर्सरी में थोड़ी कम कंजूसी करते हैं क्योंकि एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी है। ठीक है, बात करते हैं गाइज हमारे फाइनल अपडेट के बारे में। तो फाइनल अपडेट गाइज हमारे फ्री फायर सिटी ओपन के रिवॉर्ड्स है। ठीक है, तो गाइजर बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग मुझे कुछ दिनों से बोल रहे थे कि भाई फ्री फायर सिटी ओपन पे एक जर्सी मिल रही है, तो वो जर्सी कैसे मिलेगी, उसका कोड क्या होगा, क्या होगा प्लीज बता दो। ठीक है, तो गाइजर सामने आप देख सकते हो ये जो जर्सी आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, तो आजकल जब फ्री फायर सिटी ओपन की लाइव हो रही है, फ्री फायर की सिटी ओपन की आप लोगों को पता है 3-4-5-6 दिन पे एक एक बार लाइव हो रही है, अभी 16 तारीख की इसकी फिर से लाइव स्ट्रीम है। ठीक है, तो उसमें गाइजर ये वाली एक जर्सी मिल रही है। अब ये जर्सी कैसे मिल रही है, मतलब बहुत सारे बंदे लोगों को कंफ्यूजन है क्योंकि सबको तो मिल नहीं रही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखो गाइजर ये सीन क्या है, ये वाली जो जर्सी है आप लोगों यार फ्री फायर सिटी ओपन की जो लाइव स्ट्रीम है उसको देखनी पड़ रही है। ठीक है, मतलब जब आप लोग लाइव स्ट्रीम देखोगे तो उसमें से इन लोग गाइजर गिव अवे के विनर निकाल रहे हैं, लाइव में निकाल रहे हैं। ठीक है, और लाइव में से किसी बंदे को गाइजर ये जर्सी दिया जा रहा है। ठीक है, अब गाइजर गरीना वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइजर देखो गरीना वालों को इंडियन सर्वर पे यार कम से कम रिवॉर्ड बांटने होते हैं क्योंकि इंडियन सर्वर के साथ गरीना वाले स्कैम करते हैं, ये बात आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, इसीलिए गाइजर इन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्या करते हैं कि जो लाइव में बंदा आएगा उनमें से बस यार किसी एक एक को यार ये सब रिवॉर्ड्स देंगे, एक एक मतलब गाइजर शायद इन लोग 5-6 विनर्स निकालते हैं फ्री फायर सिटी ओपन पे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली रियल बताओ तो फ्री फायर सिटी ओपन की जो अभी लाइव स्ट्रीम चल रही है फिलहाल उसको देखने का कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है, अभी वाले को मतलब अभी यार जो अभी गाइजर आपकी लाइव स्ट्रीम चल रही है। ठीक है, अब ये हो सकता है गाइजर आप लोगों को बाद में गाइजर शायद देखने को मिल जाए क्योंकि अभी फ्री फायर सिटी ओपन का जब फाइनल होगा तब गाइजर आप लोगों को शायद रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाए। ठीक है, बट अभी गाइजर आप लोगों को ये जर्सी मिल रही है, अगर आप लोगों को जर्सी चाहिए तो आप लोगों को लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ेगी और लाइव स्ट्रीम पे आपको मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं एडवाइस दूंगा लाइव स्ट्रीम मत देखना, बकवास है क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करोगे उसके बाद यार कितने कम बंदों को मिलेगा। तो यार आपकी मर्जी गाइजर, देखो यार गिव अवे का अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना आप कर भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो बस गाइजर आज की इस वीडियो में इतना ही, मेरे को बस इतना ही बताना था, तो बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।